Students, today we are going to see your exercise 3F, chapter 2, polynomials. Okay, we will be moving forward. In this, there are total altogether 38 sums. So I have divided this exercise into two parts. We will be solving 19 sums. First 19 sums and then second overall 19 another 10. ठीक है, सो आज का पहला सम है x क्यूब प्लस 27, दिया है टाइटल फैक्टराइज, ऑल ऑफ देम आर फैक्टराइज सम, सो दिस इज नथिंग बट इफ यू कैन सी दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब, सो आंसर इज a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, योर आंसर इज x प्लस 3 इन ब्रैकेट सेकंड a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस ab मतलब माइनस 3x प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज 9, वेरी सिंपल. सम नंबर 2, 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब, इट इज द सेम आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब, सो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a square minus ab plus b square. So, this is nothing but 3a ka whole cube plus 4b ka whole cube and that is nothing but 3a plus 4b. Barabar hai? 3a ka square hoga 9a square, 3 4s are 12 aur ab aur 4b ka square hoga 16b square. Sum number 2, very simple. And sum number 3, dekhiye. 125 a cube plus 1 upon 8. This is also very simple. Same identity. A cube plus b cube is equal to a plus b. A square minus ab plus b square. And that is nothing but. Agar isko likhenge to 5a ka whole cube plus 1 upon 2 ka whole cube. So ye ho gaya 5a. प्लस 1 अपॉन 2 और दूसरे ब्रैकेट में 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर माइनस 5a बाय 2 क्योंकि ab है और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 बाय 2 का स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट 1 बाय 4. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सम नंबर 4, सम नंबर 4 इज नथिंग बट 216x क्यूब प्लस 1 अपॉन 125. Again, if you can see, dono cubes hai. Again, a cube plus b cube is nothing but a plus b, a square minus ab plus b square. So, this can be written as 6x ka cube plus 1 upon 5 ka cube. Your final answer will be 6x plus 1 upon 5. Dusre bracket mein aayega 36x square, kyunki 6x ka square hoga. Minus 6x upon 5, ye ab hai. और प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा 1 अपॉन 25, तो दैट वाज योर सम नंबर 4. देन मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड सम नंबर 15, सॉरी 5, तो सम नंबर 5 सेज दैट 16x4 प्लस 54x. अब ध्यान से देखोगे इसको तो आप लोगों को कुछ कॉमन दिखेगा और वो कॉमन है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2x कॉमन है, तो 2x अगर कॉमन निकलेगा तो ये हो गया 8x क्यूब प्लस यहाँ पे हो गया 27. नाउ व्हाट, नाउ यहाँ से देखो तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो 2x इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा 2x क्यूब प्लस 3 क्यूब. अब मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हर एक सम में आप लोगों को लिखनी है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दूंगा. तो 2x आ गया, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये इसका आंसर हो गया. सम नंबर 6 देखिए, 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब, 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब, व्हाट इज कॉमन, तो 7 इज कॉमन, a क्यूब प्लस 8b क्यूब. अब a क्यूब प्लस 8b क्यूब कैन बी रिटन एज 7. अब ये हो गया a का क्यूब प्लस ये हो गया 2b का क्यूब, सो योर फाइनल आंसर विल बी a प्लस 2b a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b का स्क्वायर, सो दैट इज सम नंबर 6. Then moving forward towards sum number 7. So sum number 7 says that
एक्स रेज टू फाइव प्लस एक्स स्क्वायर. तो दिस कैन बी रिटन एज, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वन. अब ये देखो एक्स स्क्वायर कॉमन, इसको मैं ऐसा लिखूंगा एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब, देन योर आंसर विल बी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. ठीक है, सेम आइडेंटिटी अप टिल नाउ. देन मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सम नंबर एट, देखिए ए क्यूब प्लस 0.008. अब दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज देखो ए का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब, बराबर है ए का क्यूब और 0.2 का क्यूब. तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस 0.2 ए स्क्वायर माइनस 0.2 ए प्लस 0.04. दिस इज योर आंसर फॉर सम नंबर 8. वेरी सिंपल, हर एक सम में आप लोगों को अभी तक के 8 के 8 सम में एक ही आइडेंटिटी यूज की है एंड दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड दैट इज नथिंग ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. चलो मूविंग फॉरवर्ड, सम नंबर 9 सम सेज दैट 1 माइनस 27 ए क्यूब. इफ यू कैन सी दिस एज 1 क्यूब माइनस 3 ए का क्यूब, सो ये हो गया आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड दिस कैन बी रिटर्न एज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. चल a माइनस बी मतलब 1 माइनस 3a, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 3a प्लस 3a का स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट 9a स्क्वायर. सो अप टिल नाउ हम लोगों ने a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मूला देखी, अब हम लोग जो देख रहे हैं वो है a क्यूब माइनस b क्यूब. चलो सम नंबर 10, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सम नंबर 10, 64 a क्यूब माइनस 3a 343. 64a क्यूब माइनस 343. अगेन ये देखोगे तो ये ऐसा है 4a का क्यूब माइनस 7 का क्यूब. नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब, आई एम नॉट राइटिंग आइडेंटिटी, आप लोगों को लिखनी है 4a माइनस 7 28, सॉरी 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 28a प्लस 49. चलो नेक्स्ट सम नंबर 11 देखिए. 11 इज x क्यूब माइनस 512. तो x क्यूब माइनस 512 कैन बी रिटन एज x का होल क्यूब माइनस ये है 8 का क्यूब. सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 8 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 64. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स सम नंबर 12 इज a क्यूब माइनस 0.064. So this can be written as a का क्यूब माइनस 0.4 का क्यूब and that is a माइनस 0.4 एक ब्रैकेट में दूसरे में a स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.4 का 6 स्क्वायर होता है 0.16. So that is your answer to sum number 12. Moving towards sum number 13, but we don't have space. So these are up to 12 sums, then we will see 13 to 19. Sum number 13 is very easy. Take it. 8x cube minus 1 upon 27y cube. This is nothing but you can write it as 2x ka whole cube minus 1 by 3y ka whole cube. Identity, aap logon ko ek baar main likh deta hoon kyunki usme tha, isme nahi hai. A cube minus b cube and that is nothing but a minus b a square plus ab plus b square. So now this can be written as, dekhe, 2x minus 1 by 3y, then 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3y आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा और ये 1 अपॉन 9y स्क्वायर. ओके, देन नेक्स्ट सम नंबर 14. सम नंबर 14 इज x क्यूब अपॉन 216 माइनस 8y क्यूब. अगेन दिस कैन बी रिटन एज x अपॉन 6 का होल क्यूब माइनस, यहां पे देखना, 2y का होल क्यूब. ठीक है, now this can be written as x by 6 minus 2y. ठीक है,
एक्स बाई सिक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस अब ये देखना है 2xy अपॉन 6 होगा एंड प्लस 4y स्क्वायर. नाउ दिस इज कैंसल्ड 2 1 2 3 सो आंसर इज x by 6 minus 2y x square by 36 plus xy upon 3 plus 4y square. So that was your sum number 14. Then sum number 15 says that x minus 8xy cube. X minus 8xy cube. इसमें से common क्या देखो? Common है x common. 1 माइनस 8y क्यूब बराबर है. सो x कॉमन यहां पे ऐसा लिखूंगा 1 क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब. सो आंसर इज x 1 माइनस 2y सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर. ओके सम नंबर 16 अगेन टेलिंग यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हर एक में आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी है. नेक्स्ट इज 32x to the power 4 minus 500x. अब अगर ध्यान से देखोगे ये सम में तो आप लोगों को x के अलावा क्या कॉमन दिख रहा है. x के अलावा अगर आप लोग देखोगे तो यू कैन टेक 4 एज कॉमन. ठीक है तो 4x अगर कॉमन निकालता हूं तो ये होगा 8x क्यूब और ये होगा 125. ठीक है अब ये सिंपल हो गया 4x तो रहेगा ही बाजू में. ये हो गया 2x का क्यूब माइनस ये हो गया 5 का क्यूब. सो आंसर इज 4x 2x माइनस 5 देन 4x स्क्वायर प्लस 25 इज 10x प्लस 25. सो दिस इज योर आंसर फॉर सम नंबर 16. देन मूविंग फॉरवर्ड 17th देखो बहुत इंटरेस्टिंग है. 3a raise to 7b बराबर है minus 81 a4b4. तो यहां से देखो पहले तो मैं 3 कॉमन निकालूंगा यहां से a4 बाहर और यहां से b कॉमन तो अंदर क्या जाएगा पता है a क्यूब. तो ये 3a raise to 7b हो गया और यहां पे आएगा 27b क्यूब. ठीक है तो योर आंसर इज 3a टू द पावर 4 यहां पे ऐसे लिखेंगे a क्यूब माइनस 3b क्यूब. सो योर आंसर इज 3a टू द पावर 4b a माइनस 3b a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 9b स्क्वायर. सो दैट वाज योर सम नंबर 17. देन वी स्टिल हैव टू सम्स एक्सरसाइज 3f एज ऑल टुगेदर वी हैव कितने सम्स है 38 जिसमें से हम लोगों ने 19 अभी देखने हैं और 19 दूसरे दिन. ओके स्टूडेंट्स सम नंबर 18 स्टूडेंट्स टीचर एवरीवन सम नंबर 18 इज x4y4 माइनस xy. अगर ध्यान से देखोगे तो कॉमन क्या निकलेगा xy कॉमन तो अंदर जाएगा x³y³-1 देन व्हाट xy कॉमन ही रहेगा ये होगा xy का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब. Then xy second bracket में xy minus 1 x square y square plus xy plus 1 का square. तो this is your answer. Identity यहाँ पे लिख दूँ क्योंकि निकल गई है तो a cube minus b cube is equals to a minus b a square plus a b plus b square. ठीक है अभी तक 9 से लेके 18 तक यही आइडेंटिटी यूज की है. देन सी सम नंबर 19 8x² y³ माइनस x^5. चलो क्या कॉमन निकलेगा तो मैं निकालूंगा x² कॉमन 8y³ माइनस x³. अब क्या हो गया ये तो सिंपल हो गया x² फिर यहां से आएगा क्या 2y का होल क्यूब माइनस x का होल क्यूब. सो आंसर इज x² 2y माइनस x देन सेम यही आइडेंटिटी यूज करनी है 4y square plus 2xy या 2yx plus x square. So that's the end of our exercise 3f part 1. Exercise 3f part 1 sum number 1 to 19. Thank you very much students.